दुष्कर्म और अपहरण जैसे गंभीर मामले में आरोपी और भारत से फरार नित्यानंद अब अमेरिका के लिए सरदर्द बन गया है। खुद को भगवान और काल्पनिक देश कैलाशा बसाने वाले नित्यानंद ने अमेरिका के 30 शहरों में फर्जीवाड़े को अंजाम दिया है। धोखाधड़ी की सच्चाई जानने के बाद अब अमेरिका के शहरों को इस बात का अफसोस हो रहा है कि उन्होंने नित्यानंद के बारे में पहले जांच पड़ताल क्यों नहीं की। फर्जीवाड़े का यह मामला सिस्टर सिटी एग्रीमेंट को लेकर सामने आया है। दरअसल ये एग्रीमेंट किसी दो देशों के दो शहरों में होता है, से उन शहरों के बीच शैक्षणिक संस्कृति जैसे रिश्ते मजबूत होते हैं। अमेरिका की बात की जाए तो साल 1955 में चुनाव जीत कर डेविड आइजनहावर अमेरिका के राष्ट्रपति बने। वर्ल्ड वॉर टू के बाद अमेरिका की सत्ता संभालने के बाद आइजनहावर ने सिस्टर सिटी इंटरनेशनल SCI के रूप में पहल की। भगौरी नित्यानंद ने अमेरिका के इस सिस्टर सिटी एग्रीमेंट का फायदा उठाया और एक रिपोर्ट के मुताबिक नित्यानंद ने अपने यूनाइटेड ऑफ कैलाशा के जरिए 30 से ज्यादा अमेरिकी शहरों के साथ सिस्टर सिटी समझौता साइन कर लिया है। समझौता करने वाले शहरों में अमेरिका के महत्वपूर्ण न्यूयॉर्क, रिचमंड, वर्जीनिया, डीटन और फ्लोरिडा जैसे मशहूर शहर शामिल है। अमेरिका की न्यूजर्सी काउंटी प्रांत के सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क के साथ कैलाशा ने 12 जनवरी 2023 को सिस्टर सिटी समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। इसके लिए बाकायदा एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। न्यूयॉर्क सिटी हॉल में कहा गया था कि इस कार्यक्रम की जानकारी शेयर करते हुए नित्यानंद ने 30 से ज्यादा अमरीकी शहरों के साथ कैलाशा के समझौते का दावा भी किया था।